हेलो स्टूडेंट्स, सुपर 60 एजुकेशन हब पे मैं दिव्या श्रीवास्तव आपका रीजनिंग क्लास में वेलकम करती हूँ। आज हम अपने नेक्स्ट वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको सीरीज़ का स्टार्टिंग बताया था, मतलब वो हमारा ओवरऑल रीजनिंग का फर्स्ट टॉपिक ही था एंड प्लस वो सीरीज़ का भी फर्स्ट पार्ट था। तो उसमें मैंने आपको कई सारे कॉन्सेप्ट और कुछ शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह बताई थी। तो आज हम उससे रिलेटेड अपने नेक्स्ट लेवल के कुछ क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम सिर्फ केवल क्वेश्चंस के थ्रू ही देखेंगे जो हमने पहले पढ़ा था, अब हम उसी को ही एग्जीक्यूट करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं डायरेक्टली। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत हद तक मिलता जुलता है, जो मैंने आपको लास्ट टाइम जब कॉन्सेप्ट्स बताए थे तो उसमें कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो अब हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आई होप आपने क्वेश्चन अच्छे से देख लिए होंगे। तो हमारे क्वेश्चन में हमें कुछ फोर टर्म्स दिए हैं एंड उसके बाद हमसे पूछा है कि फिफ्थ टर्म क्या आएगा। इससे रिलेटेड मैंने आपको एक बहुत ही शॉर्ट एग्जाम्पल के थ्रू समझाया था, आज फिर हम उसी के थ्रू जा रहे हैं। आज हम ये एक्चुअली इसलिए कर रहे हैं ताकि थोड़ा बहुत जो पीछे का आपने देखा है वो एक तरह से रिविजन हो जाए, फिर हम उसके बाद अगले नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारी जो इस सीरीज के चार टर्म्स लिखे हैं उसमें जो फर्स्ट टर्म है हमारा वो क्या है, 2Z5, है ना, अल्फा न्यूमेरिक है ये सीरीज, ये आपको देख के ही समझ में आ गया होगा। 14X9, 23W11, ठीक। अब क्या तरीका मैंने आपको बताया था कि पहले हम इनिशियली स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से कंपेयर करेंगे, सेकेंड टर्म को सेकेंड टर्म से एंड थर्ड टर्म को थर्ड मतलब टर्म से। तो अब देखते हैं कि इसमें डिफरेंस क्या आ रहा है। पहले हम फर्स्ट वाली पूरी लाइन को चेक करते हैं। फर्स्ट वाली लाइन है हमारी 2, 7, 14, 23। तो इसमें हमें क्या दिख रहा है, क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं हमारे इसमें, ये प्लस 5 इंक्रीजिंग ऑर्डर की सीरीज चल रही है। तो पहले हम सबसे पहले डिफरेंस देखने की कोशिश करते हैं। ये कितना जाएगा, प्लस 7, ये प्लस 9, ठीक है। अब इसके बाद वाला, इससे क्या हमें समझ में आ रहा है कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है, प्लस 5, प्लस 7, प्लस 9, बट इनमें अपने आप में भी कितने कितने का डिफरेंस है, 2 का। तो इसका मतलब इसका भी हम और 2 प्लस करेंगे 9 में, तो यहाँ प्लस 2 यानी कि 11, तो प्लस 11, ठीक है। ओवरऑल ये इससे 11 प्लस होके आएगा, यानी कि जो हमारा फोर्थ टर्म बनेगा वो हमारा बनेगा 34, ठीक। ये हमने अपने फर्स्ट वाली लाइन को सब में मिला लिया, जिसका हमें पहला ये मिल गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में क्या है, जेड वाई एक्स डब्लू। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था पोजीशन ऑफ लेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है सीरीज के, स्पेशली क्वेश्चंस में, अल्फाबेटिक सीरीज या अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ठीक है। तो इसमें भी हम वही देख रहे हैं, जेड वाई एक्स डब्लू, वेरी सिंपल, पता चल रहा है हमको ये कि माइनस 1 से डिक्रीज हो रहा है, ये है ना, सबकी पोजिशन माइनस 1 से डिक्रीज हो रही है। कैसे, वैसे तो इतना सिंपल है कि ए बी सी डी हम सबको आता है तो हम ये समझ ही जाएंगे, बट फिर भी अगर आप और अच्छे से इसको देखना चाहो तो कैसे याद कर सकते हैं हम इसको, कि जेड की पोजिशन क्या थी, 26, इसकी क्या थी, 25, 24, 23, तो माइनस 1 कर देते हैं तो यानी कि 22। तो 22 पे कौन सा आता है हमारा लेटर, V। तो दैट मींस जो हमारा सेकंड टर्म हमको मिलेगा वो मिलेगा V, ठीक है। अब हम थर्ड वाली लाइन को देखते हैं। थर्ड वाली लाइन में क्या है, पहले 5, 7, 9, 11, इसको देखें तो इसमें एकदम क्लियरली ये भी एक सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है, पर कितने नंबर से इंक्रीज हो रही है ये फाइंड करना बहुत जरूरी है। तो 5 प्लस 2 7 होता है, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 2 11, 11 में भी अब प्लस 2 करेंगे तो हमें जो नेक्स्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, 13। ये हमने तीन अलग अलग तरीके, मतलब अलग अलग इसको सेपरेट करके तीनों निकाल लिए, ठीक है। अब एज इट इज इसको एक साथ रख देंगे तो हमारा जो आंसर बनेगा वो आएगा 34V13, ये हमारा आंसर होगा। ये सिर्फ
लास्ट का रिवाइज कराने के लिए मैंने इसको किया है, ठीक है. बट ये बेसिक क्वेश्चंस है, मोस्टली आपको ये एसएससी के कुछ एग्जाम्स में मिल जाएंगे, ठीक है. बट अब हम इसके नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन, आपको स्क्रीन पे अभी एक बहुत ही बड़ी सी सीरीज दिखाई दी है, ठीक है. ये इसी टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं मोस्टली बैंकिंग एग्जाम में, आईबीपीएस वगैरह में इस तरह के बहुत से क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपको ऐसी एक बहुत ही बड़ी सी सीरीज दिखाई देगी और फिर उससे फॉलो अप करके 3, 4 या 5 क्वेश्चन आपके सामने पुट अप होंगे, ठीक है. तो ये हमारी सीरीज है, अच्छे से देख लीजिए. इसमें अल्फाबेट्स हैं, नंबर्स हैं, सिंबल्स हैं, सब कुछ है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल 3, ठीक है. अब इस सीरीज से रिलेटेड हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे, तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या पूछ रहा है कि राइट एंड से 16th एलिमेंट का लेफ्ट 9th एलिमेंट कौन सा है, है ना. मैंने आपको बताया था लास्ट उसमें कि हमारे कुछ 4 छोटी छोटी ट्रिक्स हैं कि जब सेम पूछा जाता है राइट प्लस राइट तो क्या होता है, लेफ्ट प्लस लेफ्ट क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट, राइट प्लस लेफ्ट. तो आपको ध्यान होगा, मैं फिर से यहाँ पर लिख देती हूँ ताकि एक बार रिमाइंड हो जाए वो. अब हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे पूछ रहा है कि लेफ्ट से राइट से 16th एलिमेंट का 9th लेफ्ट क्या आएगा, है ना. तो अब उसका वही फर्स्ट वाला जो तरीका था कि पहले हम काउंट करें राइट से 16th कौन सा है, फिर उसका लेफ्ट कौन सा है, तो हम उस पर नहीं जाएंगे, हम डायरेक्टली अपना फॉर्मूला लगाएंगे. यहाँ पे हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, राइट का कौन सा नंबर है 16th और लेफ्ट का कौन सा है 9th, यानी कि 25, ठीक. तो मतलब अब हमको राइट से 25th एलिमेंट जो है वो हमारा आंसर है. तो राइट से अब हम काउंटिंग करेंगे 25th एलिमेंट की, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25th एलिमेंट क्या आया हमारा, डी, यानी कि डी इज द राइट आंसर, ठीक है. तो डी हमारे कौन से ऑप्शन में पड़ रहा है, ऑप्शन नंबर सी, तो फिर ऑप्शन नंबर सी को हम टिक कर देंगे. अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा मैंने आपको बताया था एक छोटा सा एग्जांपल लेके वॉवेल का, कि कई बार पूछता है कि वॉवेल पहले आया है तो उसके बाद में क्या है, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट किया हुआ है. आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितने ऐसे इसमें एलिमेंट्स हैं जिनके पहले प्रिसीडेड मींस पहले सिंबल आता है एंड फॉलोड बाय अ कॉन्सोनेंट, यानी कि उसके बाद एक कॉन्सोनेंट आता है. तो कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, 5 आपके जो वर्ड्स थे वोवेल के, मतलब 5 लेटर्स थे, उनको छोड़कर जितने भी हैं वो सारे कॉन्सोनेंट्स हैं, यानी कि इनको छोड़कर, ए ई आई ओ यू को छोड़कर सारे कॉन्सोनेंट्स हैं. तो अब आपको यही खोजना है. तो सबसे पहले इसका एक तरीका है, मतलब आपको ये मान के चलना है कि पहले हमें सिंबल आना चाहिए, बीच में हमारा वो एलिमेंट आना चाहिए और उसके बाद हमारे कॉन्सोनेंट्स आने चाहिए. ये आपसे पूछा जा रहा है कि कितने हैं टोटल, ठीक है. तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि वोवल्स कितने हैं यहाँ पे, ठीक है. इस पूरे इसमें हमारे पास एक ये हमें वोवल मिला, एक ये मिला, एक ये मिला और एक ये मिला, ठीक है. मतलब 5 वोवेल्स हैं हमारे इसमें, ए ई आई ओ यू 5 आ गए. तो अब इन्हें तो एकदम भूल ही जाइए, इनके अलावा बचे हुए अब देखेंगे हम उनको, ठीक है. कि अब उतने उनके अलावा बचे हुए कौन से हैं, बी है, ठीक है. तो अब देखिए बी के पहले मतलब बी के पहले क्या है, सिंबल है, उसके पहले क्या है, 8. नहीं, ये हमारा क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि हमें क्या देखना था कि सिंबल पहले आना चाहिए, बीच में एलिमेंट आना चाहिए और एंड में कॉन्सोनेंट्स आना चाहिए. अच्छा, अब इसमें क्या है ना कि कॉन्सोनेंट्स भी कई सारे से हैं, तो आप इसमें कुछ भी ले सकते हैं. मतलब आप या तो एक कॉन्सोनेंट पकड़ लीजिए और उसको चेक करिए कि उसके एक छोड़ के कहीं सिंबल है कि नहीं, या आप सिंबल पकड़ लीजिए और फिर ये चेक करिए कि उसका एक छोड़ के कॉन्सोनेंट है कि नहीं. तो हम सिंबल को चेक कर रहे हैं, वो ज़्यादा हमें ईजी पड़ेगा. तो हमने सिंबल देखा, पहला सिंबल हमें एट दी रेट मिला, एट दी रेट का एक एलिमेंट इसको छोड़कर कॉन्सोनेंट, यही था ना हमारा सिंबल, फिर डैश, फिर कॉन्सोनेंट, ये हमें, ये पैटर्न हमें चाहिए, ठीक है. तो ये हम यहाँ देखेंगे, एट द रेट
और d क्या है, d इज कॉन्सोनेंट, तो यानी कि एक एलिमेंट हमें मिला b, ठीक। नेक्स्ट हम दूसरा सिंबल अपना पकड़ेंगे, दूसरा सिंबल हमारा है एक्सक्लेमेशन मार्क, इसके बाद में एक छोड़कर क्या आ रहा है हमारा, आई आ रहा है, आई इज वॉवल, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट सिंबल हमारा पड़ेगा एस्ट्रिक, एस्ट्रिक के बाद क्या आ रहा है, एक छोड़कर डब्ल्यू, डब्ल्यू इज कॉन्सोनेंट, यानी कि एक सेकेंड एलिमेंट हमको मिला के, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सिंबल में हम आएंगे, नेक्स्ट सिंबल हमारा हैश है, हैश एक छोड़कर ओ है, ओ इज वॉवल, ये भी कैंसिल हो गया। उसके बाद का हमारा अगला सिंबल है कैरेट, कैरेट के बाद एक छोड़कर तीन, तीन इज नंबर, नंबर को हमें नहीं चाहिए। फिर नेक्स्ट हमारा है ये सिंबल कॉपीराइट का, इसका एक छोड़कर क्या है, एन हमारा कॉन्सोनेंट हमें मिल गया यहाँ पे, तो यानी कि ये थ्री, एक थर्ड एलिमेंट हमको ये मिला। फिर नेक्स्ट सिंबल हमारा क्या है, ये साइन, ब्रैकेट साइन का एक छोड़कर कॉन्सोनेंट है, नहीं, यहाँ पे भी ऑलरेडी सिंबल है, और इस ये जो हमारा सिंबल है इसके बाद कुछ है ही नहीं, तो यानी कि हमें टोटल कितने एलिमेंट्स मिल गए, थ्री एलिमेंट्स मिल गए, बी के थ्री, तो मींस टोटल थ्री एलिमेंट्स हमें मिल गए। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं तो आप नाम लिख देते, बट यहाँ पे आपसे सिर्फ और सिर्फ नंबर पूछा जा रहा है, तो नंबर हमारा थ्री आ रहा है, थ्री कौन से ऑप्शन पे पड़ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। तो अब हम अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आप सबने देखा होगा थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि कितने ऐसे नंबर्स हैं जो इमिडिएटली जिनके पहले सिंबल आता है ना, तो इसमें अब हम चेक करेंगे नंबर्स कौन कौन से हैं। ये सारे नंबर्स हैं 4, 8, 7, 6, 5, 9, 2, 3। अच्छा, हमें हमेशा ना शॉर्ट मेथड सोचना चाहिए, ये जो मैंने अभी आपको नंबर्स चेक करके बताया है, तो ये मैंने नॉर्मली आपको बताया कि अब हम नंबर्स देखेंगे, ठीक है। बट अभी हमने जो इसके पहले का क्वेश्चन सॉल्व किया था, हमने सिंबल्स ऑलरेडी खोज लिए थे कि सिंबल्स कहाँ पे कहाँ हैं, तो हमारा माइंड ना तुरंत ही सिंबल की तरफ जाना चाहिए, मतलब हमें ये चाहिए ना कि कोई ये नंबर हो जिसके पहले कोई सिंबल आता हो, है ना, सिंबल डैश नंबर, हमें ये एक वो चाहिए अपना, ये हमारा नेक्स्ट है। तो हमने क्योंकि सिंबल ऑलरेडी देख लिया है, एंड सिंबल कंपैरेटिवली जो है इजी टू फाइंड होते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे अब हम स्टार्ट करेंगे सिंबल्स को देखना फिर से एज इट इज, जैसे हमने पहले देखा था सिंबल फिर डैश कॉन्सोनेंट, यहाँ पे हम देखेंगे सिंबल एंड नंबर, सिंबल नंबर, सिंबल नंबर, ठीक है, ये हम देखेंगे। तो फर्स्ट हमारा सिंबल है एट द रेट, क्या इसके बाद नंबर है, नहीं, एक्सक्लेमेशन नहीं, नंबर नहीं है, ठीक है, एस्ट्रिक के बाद नंबर है, नहीं, उसके बाद हैश के बाद नंबर है, ये हमें हमारा एक वो मिल गया सिंबल एंड नंबर का, ठीक है, तो यानी कि एक हमारा नंबर ये मिल गया हमें। नेक्स्ट आते हैं कैरेट, कैरेट के बाद ये है कॉपीराइट, कॉपीराइट के बाद फिर हमें एक नंबर मिला, यानी कि हमें सेकंड वो मिल गया सेट अपना। अब कहीं कोई सिंबल है, इस सिंबल के बाद कोई नंबर नहीं है, इसके बाद भी कोई नंबर नहीं है, यानी कि हमें कितने मिले इसमें से, टू, तो नाइन और थ्री, यानी कि टू नंबर्स हमें ऐसे मिल गए। तो अब टू नंबर्स हमारा ऑप्शन कौन सा जाएगा, सी, ऑप्शन सी में आपको टू नंबर दिया हुआ है। अब आपके सामने इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन पॉपअप हुआ था, जिसमें हमारे हमसे पूछा गया है कि हमें ये चार, नहीं फाइव, हमें कुछ नंबर्स दिए हैं, कुछ टर्म्स दिए हैं, और ये हमसे पूछा गया है कि इनमें से चार एक जैसे हैं बट एक कोई ऐसा है जो ऑड है, मतलब जो इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, मीन्स फाइंड द ऑड वन आउट, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या तरीका हमारा होना चाहिए ये समझने का, कि फर्स्ट, हमेशा फर्स्ट ऑप्शन से हम स्टार्ट करते हैं, मे बी फर्स्ट वाला ही ऑड हो, बट स्टिल वी स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि ये जो लिखे हैं के डब्ल्यू एस्ट्रिक, ये क्या क्या फॉलो करके, किस कोड को फॉलो करके ये लिखा गया है, ये पैटर्न बना है, ठीक है। तो हम इसको पहले फाइंड करते हैं, तो के कहाँ है, ए, के के जस्ट बाद आता है डब्ल्यू, एंड देन के लेफ्ट साइड आता है एस्ट्रिक, मींस ये जो हमारा फर्स्ट टर्म है उसके राइट का लिखा गया पहले, फिर उसके लेफ्ट का लिखा गया। अब हम सेकेंड ऑप्शन को देखते हैं, क्या सेकेंड ऑप्शन वैसा है, बी डी एट द रेट, बी फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट का राइट वाला उसके बाद लिखा गया, और फिर फर्स्ट एलिमेंट का लेफ्ट वाला उसके भी बाद लिखा गया, तो यानी कि ये फर्स्ट टू एकदम सेम निकले, तो दैट मीन्स हमें पैटर्न अब समझ में आ गया कि पैटर्न यही वाला है, कि जब दो एक जैसे निकल गए तो जाहिर सी बात है ऑड वन तो इन दोनों में से कोई हो नहीं सकता, तो हमें पैटर्न समझ में आ गया। अब हमारा पैटर्न क्या होगा, कि फर्स्ट एलिमेंट के आगे वाले ये जो दो नंबर है, एक उसका राइट होगा, एक उसका लेफ्ट होगा, इस ऑर्डर में लिखा होगा,
नाउ अब हम इसमें चेक करें, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ वाले अपने ऑप्शंस चेक करते हैं. थर्ड में क्या है, ब्रैकेट एम एन, ब्रैकेट के राइट वाला पहले लिखकर फिर उसके बाद लेफ्ट वाला लिखा, यानी कि थर्ड इज ऑल्सो सही, ये भी सही निकल रहा है हमारा. अब फोर्थ में आते हैं, फोर्थ क्या है, एन, एन के बाद हमें पहले लिखना था राइट, बट यहाँ पे एन के बाद पहले लिखा है लेफ्ट और फिर लिखा है राइट. फिर जो भी लिखा है वो तो देखना ही नहीं है, मतलब हमें पहले पहले ही में ही कैंसिल हो गया, क्योंकि एन के बाद लिखना राइट था बट यहाँ पे एन के बाद आ गया लेफ्ट, यानी कि ऑड क्या निकला अभी तक में, ऑड निकला ये क्वेश्चन, ये हमारा निकला ऑड, फोर्थ ऑप्शन. बट फिर भी एक बार हम फिफ्थ भी चेक करेंगे, बिकॉज एक ही एलिमेंट बचा है उसको भी चेक कर लेते हैं, बिकॉज समटाइम्स ऐसा होता है, अभी तो जैसे ये फिफ्थ आपके पास है, कभी कभी आता है नन ऑफ दीज, ठीक है, और दूसरे कांट बी डिटरमाइंड, इस टाइप के भी बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, तो इसलिए अब हम फिफ्थ भी देखेंगे, इतना भी नहीं कि हाँ चलो तुरंत ही लिख दिया, मार दिया डी, ठीक है. तो हम इसमें आएंगे, तो इसमें भी देख लीजिए, कॉपीराइट थ्री और एस्ट्रिक, कॉपीराइट के राइट वाला बाद पहले लिखा गया फिर लेफ्ट वाला लिखा गया, तो दैट मीन्स कि ये भी सही है, पैटर्न को फॉलो कर रहा था, यानी कि कन्फर्म अब हमारा ऑप्शन नंबर डी, ये डी पे लिखा हुआ था, तो दिस इज ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा आंसर हो गया. तो इसके साथ में, मतलब ये मैंने आपको चार डिफरेंट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस दिखा दिए हैं सीरीज में, कि एक लंबी सी सीरीज होगी और फिर उसमें आएगा आपके पास में. अच्छा, इसमें एक और टाइप का क्वेश्चन आता है जो, मतलब मैं आपको बता रही हूँ बिकॉज वो भी काफी आता है, तो वो आपके स्क्रीन पे अभी आएगा, ठीक है, नेक्स्ट. तो अब हमने देखा कि जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन इसी सीरीज पे था, वो आपसे बोलता है कि अगर सारे नंबर्स हम इस सीरीज से हटा दें तो लेफ्ट से हमारा 14th एलिमेंट क्या पड़ेगा, ठीक है, फिर आपको उसी के हिसाब से कुछ ऑप्शंस दिए गए. अच्छा, कुछ लोगों का ट्रेडिशनल तरीका क्या होता है कि वो ऐसे काटते चले जाते हैं, पहले सारे नंबर खोज लेंगे कि अच्छा ये सारे नंबर लिखे सीरीज में, और फिर उसको कट करते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे, और फिर जो है नीचे फ्रेश सीरीज लिखेंगे नंबर्स के बगैर वाली, और फिर काउंटिंग करेंगे. तो इतना टाइम हमारे पास नहीं है कि हमको ये करना है, ठीक है, हमें उसी में ही क्विक करना है. रीजनिंग मीन्स आपका माइंड बहुत तेज चलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये सबसे स्कोरिंग होता है, बट स्कोरिंग है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारा टाइम इसी को दे देंगे, ठीक है. तो हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, सिंपली हम अपने माइंड में इस चीज़ को लेके कॉशियस रहेंगे कि हमको नंबर्स काउंट ही नहीं करना है, ठीक है, हम नंबर्स काउंट ही नहीं करेंगे. तो हम स्टार्ट करते हैं अपने लेफ्ट साइड से, क्योंकि लेफ्ट का 14th एलिमेंट बोला गया है हमसे, तो हम लेफ्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, नंबर्स काउंट ही नहीं करना है, भूल जाइए कि नंबर्स लिखे भी हैं इस सीरीज में. तो लेफ्ट से 14th एलिमेंट, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 and 14, 14th पे आया ओ. मैंने ये कट सिर्फ इसलिए किया यहाँ पे, आप ये नहीं कि सारे काटते चले जाएंगे, जस्ट मैं आपको बताना चाह रही थी कि इसको स्किप कर दीजिएगा, मत गिनिएगा इसको, आगे बढ़ते चले जाइए, ऐसे छोड़ छोड़ के आपने गिना. तो देखा कि इसमें कितना टाइम सेव हो गया. अगर वही चीज आप पहले क्या करते, ऐसे ऐसे सब काटते चले जाते कि काटो सारा और अब गिनना स्टार्ट करो, ठीक है, फिर गिनते, या फ्रेश सीरीज नीचे लिख कर फिर गिनते, तो कितना टाइम कंज्यूम हो जाता. ऐसे हमें डायरेक्टली पता चल गया कि हाँ आंसर ये आ गया. ओ हमारा आता है, हम क्वेश्चन पे देखेंगे तो ओ हमारे डी ऑप्शन में लाई करता है, तो मींस इसका आंसर हो गया डी, ठीक है. ये पांच क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो गए. अब इसको आप खुद सोचिए कि आपने अगर किया भी होगा या आपने देखा होगा कि कितनी जल्दी ये हुआ है, तो कितना स्कोरिंग रहा ये, मतलब इसका फॉर्मेट एक ही सीरीज है, काफी तो याद भी हो जाती है देखते देखते कि हाँ इसके बाद ये सिंबल था, मतलब बहुत जल्दी कैच होने लग जाता है. तो इसलिए इसे जरूर अटेम्प्ट करना है हमें, क्योंकि बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग होता है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है. इसी तरह से अभी जैसे नंबर्स है, इसी तरह से आपसे ये भी पूछ सकता था कि अपने सिंबल ड्रॉप कर दो या वॉवल्स ड्रॉप कर दो, सिर्फ वॉवल्स का आ सकता है, या कॉन्सोनेंट्स ड्रॉप कर दो, या ऑड नंबर ड्रॉप कर दो, इवन नंबर ड्रॉप कर दो, मतलब वैरायटी ऑफ आपको इसमें दिया जा सकता है, ठीक है. इस तरह के आपको कई सारे इसमें मिल सकते हैं. अच्छा, एक और इसमें बहुत ही सिंपली आपसे बोला है कि नंबर्स ड्रॉप करो और फिर लेफ्ट से 14th एलिमेंट बताओ. लेकिन अगर वो ना देके ये बोला जाता कि नंबर्स ड्रॉप करके लेफ्ट से 14th एलिमेंट का फिर राइट बताना है ना, तो क्या क्या होता, कोई दिक्कत नहीं है, 14th एलिमेंट का सेकंड राइट बता दो, तो क्या होता फिर हमारा एज इट इज, ये जो हमने लगा रखा है ये हम कर लेते, 14 प्लस सेकंड राइट मैंने बोला है तो 14 प्लस 2, यानी कि 16. तो लेफ्ट से हम 16 एलिमेंट अपना खोज लेते, तो
14 हो ही गया तो 16 एलिमेंट आता u एंड देन कैरेट इज 16, ये हमारा हो जाता आंसर। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से ये चलना है, तो इसमें कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है। तो आई होप कि आपको इतने मतलब क्वेश्चन से काफी हद तक, या आई होप तो कि आपको सारा ही समझ में आ जाना चाहिए। अब आप सीरीज के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कर सकते हो एंड आप कर भी सकते हैं। जब आप देखेंगे पेपर को तो आप देखिएगा कि सबसे इजीली आपसे ये सॉल्व होगा। तो फिर आई होप अब आपको ये इसका कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गया है। अब बस प्रैक्टिस आप करिए और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका स्ट्रांग होगा। तो फिर स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट अपने वीडियो में चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो बाय ऑर्डर मैंने आपको अपनी बिल्कुल फर्स्ट वीडियो में बताया था। तो उसमें हम आएंगे कोडिंग डिकोडिंग में। कोडिंग डिकोडिंग इसके जस्ट बाद बिल्कुल इसलिए लेना जरूरी है क्योंकि इससे बहुत सारा उसका कोरिलेशन है, लिंक्ड है, वो काफ़ी हद तक लिंक्ड है। अगर आप सीरीज को अच्छे से समझ लेंगे, सीरीज पे काफ़ी क्वेश्चंस कर लेंगे, तो कोडिंग डिकोडिंग भी बहुत ईजी आपके लिए हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर आप इस पर प्रैक्टिस करिएगा। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।